Hello everyone and welcome to the tutorial of economics. So last video में हम लोग maximum and minimum पढ़ रहे maximum and minimum पढ़ रहे थे and video बंद हो गया, मेरे को पता नहीं चला. तो हम लोग बिल्कुल वहीं से start करेंगे. अगर आपने उस video को नहीं देखा है then please जाके पहले उसको check कीजिए, उसको समझिएगा, क्योंकि basic सारा concept उसमें दिया हुआ है. तो मेरे को और easy हो जाएगा पढ़ना, फिर सेम चीज को रिपीट करना होगा और आप समझ भी नहीं पाओगे. तो प्लीज एक बार उसको जाके देखिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा. तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था यही किया था, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. क्या क्वेश्चन था कि इफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इतना, फाइंड आउट एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एसी विल बी मिनिमम. अगर टोटल कॉस्ट बोलता तो हम लोग डायरेक्ट इसको x q के रिस्पेक्ट में कर देते, पहला डेरिवेटिव तो मिल जाता. कहां पे टोटल कॉस्ट ज्यादा होगा या कम होगा, किस लेवल पे, ठीक है ना. लेकिन मेरे को बोल रहा है एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पता करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट को निकाला q के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएट करके जो वैल्यू आया. पहला कंडीशन क्या बोलता है, डी बाई डी एक्स निकाल के आप उसको जीरो के बराबर करो. तो हमने डी बाई डी क्यू ऑफ ए सी निकाला, यहाँ पे x या q कुछ भी हो सकता है जो वेरिएबल्स हैं, उसको जीरो के बराबर किया. फिर हम लोगों को क्या मिला, ऐसा लेवल मिला जहां पे वो वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग मैक्सिमम है या मिनिमम वो कैसे चेक करते हैं, तो दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या रहता था कि जो एसी है उसका डबल डिफ्रेंसिएशन, आपने जो पहला डिफ्रेंसिएशन किया है सिंपल भाषा में, उसको एक बार फिर से डिफ्रेंसिएट करो. और वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो वो मिनिमम हो जाएगा उस लेवल पे, अगर जीरो से कम आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा उस लेवल पे. जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग जैसे डी बाई डी क्यू ऑफ ए सी निकाले पहला डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आया था, टू बाई थ्री क्यू माइनस थ्री. तो डबल डिफ्रेंसिएशन बोलने का मतलब क्या, इसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन. तो हम लोगों ने फिर से डिफ्रेंसिएशन किया, तो वैल्यू क्या आया, टू बाई थ्री, जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है. तो जीरो से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, इस लेवल पे एसी जो होगा मिनिमम होगा. कितना होगा, तो एसी में अब क्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, नाइन बाई टू. तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ एसी हो जाएगा. तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था एंड शायद आपको समझ में आ गया हो अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ हो तो. अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कुछ और नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द डिमांड फंक्शन इज पी बराबर रूट अंडर नाइन माइनस क्यू. कोई एक डिमांड फंक्शन दे दिया है, अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे, लेवल ऑफ आउट बोलने का मतलब क्या, किस वैल्यू ऑफ क्यू पे टी आर विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इट विल बी, कौन सा वैल्यू क्यू का, कौन से वैल्यू पे जो टोटल रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा और कितना मैक्सिमम होगा. ये जो मैक्सिमम रेवेन्यू हो सकता है वो कितना होगा ये भी बताइए. तो सबसे पहले किसका मैक्सिमम या मिनिमम करना, टोटल रेवेन्यू का. तो हम लोग टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, टी आर बराबर पी इंटू क्यू, फॉर्मूला कुल आय बराबर पी इंटू क्यू. तो देखिए पी इक्वल टू क्या दिया, रूट अंडर नाइन माइनस क्यू इंटू क्यू. अब इसके बाद अगला, अब हम लोग स्टेप क्या करते हैं, जिसका मैक्सिमम या मिनिमम करना, पहला कंडीशन क्या था, उसका डिफरेंसिएशन, इधर जो वेरिएबल है क्यू है तो क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन करेंगे टोटल रेवेन्यू का और उसको जीरो के बराबर करेंगे. तो वहां से मेरे क्या क्या मिल जाएगा, वहां से मेरे को उस वो लेवल मिल जाएगा जहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. तो चलिए टोटल रेवेन्यू मेरे को मिल गया, इसको डिफरेंसिएट करते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में, डिफरेंसिएटिंग टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्या हो जाएगा, डी बाई डी क्यू ऑफ टी आर बराबर डी बाई डी क्यू ऑफ रूट अंडर नाइन क्यू, नाइन माइनस क्यू इंटू क्यू.
अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू बी वाला। पहले को हम लोग u को उतार दिए, मतलब क्या रूट अंडर 9 माइनस q को उतार दिए, डिफरेंसिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू q प्लस। अब क्या कहता था u इंटू v वाला फॉर्मूला, एक बार आप u को लिखो v का डिफरेंसिएशन प्लस v को लिखो, मतलब q को लिखो और u का डिफरेंसिएशन, रूट अंडर 9 माइनस q, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर 9 माइनस q का तो यही रहेगा, q का डिफरेंसिएशन 1 हो जाएगा प्लस q का डिफरेंसिएशन q के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, q इंटू d by dq ऑफ रूट अंडर इतना। अगर आपको याद हो तो मैंने डायरेक्ट बोला था ऐसे केस में आपको क्या करना है, 1 by 2 रूट अंडर 9 माइनस q, जो रूट अंडर के दिया है 1 by 2 इंटू अंदर वाला का फिर से डिफरेंसिएशन, लेकिन छोड़िए उतना अगर आपको अभी नहीं याद है तो हम लोग क्या लिखेंगे, d by dq ऑफ 9 माइनस q का पावर 1 by 2। इसको हम लोग सॉर्ट करके लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 9 माइनस q प्लस, ध्यान दीजिए q को उतारा हमने, कैसे डिफरेंसिएशन किया जाता है, 1 by 2 को बाहर ले लिया गया, इसका पावर एक घट जाता है, पावर जो रहता है उसमें एक घट जाता है तो पावर 1 by 2 में 1 घट गया, इंटू d by dq ऑफ 9 माइनस q। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 माइनस q प्लस 1 by 2 q रूट अंडर, यह पावर माइनस 1 by 2 आया, नीचे होगा तो 1 by 9 माइनस q का पावर 1 by 2 हो जाएगा, और ये जो 1 by 2 पावर है उसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 9 माइनस q। तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू रूट अंडर 9 माइनस q प्लस, सॉरी प्लस नहीं इंटू, यहां पे फिर से क्या है 9 का q के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस q का q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो माइनस 1, मतलब वैल्यू क्या आएगा मेरा, रूट अंडर 9 माइनस q प्लस 1 by q by 2 रूट अंडर 9 माइनस q इंटू माइनस 1, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट रूट अंडर 9 माइनस q माइनस q by 2 रूट अंडर 9 माइनस q। तो ये सब बकवास है, अगर आपको बेसिक है, अगर सिंपली कैलकुलेशन आता होगा तो आप तुरंत कर लोगे, पर नहीं आता है तो फिर लफड़ा है, फिर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ठीक है ना। तो हमने इस वैल्यू को निकाला, हम इस वैल्यू को क्या करते थे, जीरो के बराबर, जिसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता था उसको जीरो के बराबर करते थे। तो चलिए डी बाय डी क्यू ऑफ टी आर को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, मतलब क्या क्या वैल्यू आया, रूट अंडर 9 माइनस क्यू माइनस क्यू बाय 2 रूट अंडर 9 माइनस क्यू का वैल्यू 0 के बराबर। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 रूट अंडर 9 माइनस क्यू नीचे में, ऊपर में क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर 9 माइनस क्यू इंटू रूट अंडर 9 माइनस क्यू माइनस क्यू बराबर 0। ये इधर आएगा 0 इंटू इतना बराबर 0 होगा। अब ध्यान से थोड़ा सा बस यही सिंपल सा कैलकुलेशन कंसेप्ट वही था, कैलकुलेशन में ही मेरे को आपको समझाने में टाइम लग रहा है। तो ध्यान से देखिए 2 इंटू रूट अंडर इतना माइनस रूट अंडर इतना, तो क्या हो जाता है सेम है बेस, रूट अंडर इंटू रूट अंडर एड हो जाएगा, तो इसका पावर 1 बाय 2 इसका भी पावर 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 पावर क्या हो जाता है 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 9 माइनस क्यू माइनस क्यू बराबर 0। ये इधर आया क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 इंटू ये तो खत्म हो गया, मतलब क्या 18 माइनस 2 क्यू माइनस क्यू बराबर 0। हम लोग क्या लिखेंगे 18 माइनस 3 क्यू बराबर 0, सो क्यू इज इक्वल टू 6। अब मतलब मेरा इतना में पहला पार्ट निकला, और यहां तक हम लोग दो चीज सीखे हैं भाई, कि पहला डिफरेंसिएशन आना, मतलब कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, बट आपका बेसिक सिंपल कैलकुलेशन में भी कमांड होना चाहिए कि कैसे मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे को ऐसा लेवल मिल गया जहां पे वैल्यू क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा कहां से हम लोग चेक करते थे, तो जो वैल्यू जो डिफरेंसिएशन करके आता था उसको एक बार फिर से डिफरेंसिएट करते थे। तो आप लोग एक बार इसको फिर से डिफरेंसिएट करिएगा, देखिएगा वैल्यू क्या आता है,
और यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम आना है तो निगेटिव में आएगा, ये फिक्स रखिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोग अब ये आपका जिम्मेवारी क्या है कि d/dx² / dq² ऑफ tr निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या नहीं। और निगेटिव ही आएगा, और निगेटिव जैसे ही आएगा आप कंफर्म हो जाएंगे हम लोग क्या कि इस लेवल पे जो tr का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अब कितना मैक्सिमम होगा, तो टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू ये है हमारा, इसमें 6 रख दीजिएगा, तो 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 √9 - 6 दैट विल बी 6 √3। यही मेरा क्या होगा tr max, जो कि 6th level of output पे जो मैक्सिमम रेवेन्यू उत्पन्न होगा वो कितना है, 6 √3। ठीक है ना, तो इसको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए और इसको कर दीजिएगा। चलिए आई होप आप कर लोगे, कोई भी समस्या है देन प्लीज आप मेरे को बताइएगा एंड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। द टोटल कॉस्ट सी ऑफ आउटपुट एक्स इज गिवन बाय सी बराबर 2/3x + 35/2। अब बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 4 यूनिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कहीं यूज ही नहीं हुआ तो क्यों उसका कंसेप्ट लगाना। तो सिंपली क्या बोल रहा है, आप कॉस्ट निकालो जब आउटपुट 4 यूनिट होगा, और रिलेशन क्या दिया, सी बराबर 2/3x + 35/2। चलिए एक्स के जगह मतलब वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स आउटपुट है तो एक्स के जगह 4 रखना है, तो 2/3 × 4 + 35/2 क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, तो 8/3 + 35/2। ठीक है ना, अब आगे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 6 आ जाएगा। जैसे ही एलसीएम 6 आएगा यहाँ पे 2 + 8 = 16 + 35 = 3 + 5 = 15 + 3 = 9 + 1 = 10, जो कि वैल्यू क्या आ जाएगा, 121/6। तो ये क्या निकला है, जब आउटपुट का लेवल 4 था तो कॉस्ट क्या हो गया, इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकालिए जब आउटपुट 10 यूनिट है। तो सबसे पहले मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना होगा, तो एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, टोटल कॉस्ट बाय एक्स, तो 2/3 of x by x + 35/2 × x से डिवाइड कर दिए दोनों को, जो टोटल कॉस्ट था उसमें x से डिवाइड कर दिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2/3 + 35/2x। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद हमको किस पे कैलकुलेट करना है, एट x बराबर 10 यूनिट, तो x का वैल्यू 10 रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 2/3 + 35/10 तो 10 × 2 = 20 हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, 2/3 + 7/4, फिर से एलसीएम लेके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट एट आउटपुट 3 यूनिट। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा, तब उसमें एक्स का वैल्यू 3 रख के निकालेंगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मार्जिनल आया मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx of total cost, d/dx of 2/3x + 35/2। तो देखिए 2/3x का क्या हो जाएगा, 2/3 35/2 का 0 हो जाएगा, तो 2/3 ही मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। तो अब यहाँ पे 3 यूनिट बोल रहा है, तो x है ही नहीं, तो हम वहां पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, मतलब ये कांस्टेंट इतना ही हमेशा रहेगा किसी भी लेवल पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होने जा रहा है इस वीडियो का, एंड आई होप कि आपको शायद कंसेप्ट भी समझ में आ गया हो।
मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, अगर नहीं बनेगा देन आप मेरे को बता दीजिएगा कि क्यों नहीं बन रहा है, क्या परेशानी आ रहा है एक्चुअली, आप अपना प्रॉब्लम डील कर सकते हो मेरे से, ठीक है ना, कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं उसमें कुछ और चेंजेस लाने का, कुछ और इजी करने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना, बट आपको बताना है खुल के कि बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो क्या परेशानी आ रहा है, ये परेशानी आ रहा है, वो सब आपको डील करना है, मतलब हम लोग फ्रेंडली नेचर के, हमें डील करके जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको बताना है एज ए फ्रेंड। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज, प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया है, बोला जा रहा है वह क्यू इज द टोटल आउटपुट, यहाँ पे क्यू जो है वो टोटल आउटपुट है, एंड एफ इज द यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब एफ क्या है, यूनिट ऑफ इनपुट है और क्यू आउटपुट है। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द आउटपुट, वी आर रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। तो कितना यूनिट ऑफ इनपुट पे किसी प्रोड्यूसर का जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा वो बताना है, ठीक है ना, मतलब क्या कि पहला ऑर्डर निकाल के जीरो के बराबर कर देंगे वही ना बताता है किस लेवल पे कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो मैं उस लेवल को आपको बताता हूं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्यू दे दिया है और इसी को मैक्सिमम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे डी क्यू बाई डी एफ निकाल लेते हैं पहले, तो डी बाई डी एफ क्यू के जगह 40f प्लस 3f स्क्वायर माइनस एफ क्यू बाई थ्री, ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एफ स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एफ के रिस्पेक्ट में 2f माइनस एफ क्यू 1/3 पहले बाहर आ गया, एफ क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3f स्क्वायर, 3 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 40 प्लस 6f माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलते थे कि जब आपको निकालना हो किसी भी लेवल पे या फिर उस लेवल को जहां पे कोई भी फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो आप उसको जीरो के बराबर कर दो डिफरेंशिएशन निकालने के बाद, तो जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया हम लोग उसको क्या करते हैं जीरो के बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 6f माइनस f स्क्वायर शुड बी जीरो। अब देखिए एक रिलेशन बनेगा यहाँ पे, हम लोग एफ स्क्वायर माइनस सिक्स एफ माइनस 40 बराबर जीरो लिख सकते हैं, अगर इधर ला दें हम लोग तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो अब ध्यान से देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो आना चाहिए माइनस 6 और 40, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 8f प्लस 2f माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो, स्प्लिट करके तो f कॉमन ले लिया हमने, तो f माइनस 8 प्लस 2 यहां से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा f, और यहां से 20 तो 8 40।